बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ टीचर। आज एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं और आज 22 जनवरी है। तो बेटा, इस एक्सरसाइज का पहला सवाल है और इसमें हमने क्या करना है कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हैं, उनको हमने ऐड करना है। तो देखें, ऐड करने के लिए बेटा हमें क्या है कि एक जो एक्सप्रेशन है इसको हम ऊपर लिखते हैं, ए क्यूब प्लस 2a² - 6a + 7, और दूसरा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है बेटा उसको नीचे लिखते हैं, ए क्यूब 2a + 5। इसमें हमारे पास बेटा ये जो क्या नाम है, दूसरा जो इस एक्सप्रेशन का टर्म है वो मिसिंग है, यानी वो हमें गिवन नहीं है, तो उसकी जगह आप छोड़ देंगे, या अगर आप इसकी जगह लिखना चाहें तो 0a² भी लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो एक्सप्रेशन है वो है 2a³, वो हमने ए क्यूब के नीचे लिखना है। फिर -a² है, वो स्क्वेयर की जो सीक्वेंस है, लाइन है, उसके ऊपर भी प्रतीक से लिखना है। फिर बेटा 2a है, वो हमने इस 2a के नीचे लिखना है, और फिर -h। अब हमने बेटे को सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखना है कि ये जो a है क्यूब, इसका कोएफिशिएंट है 1, दूसरा जो ए क्यूब है इसका भी कोएफिशिएंट है 1। ठीक है, जब कोई नंबर हमारे पास कोएफिशिएंट नहीं होता तो ये अंडरस्कोर है कि वहाँ 1 होगा, और साइन अगर कोई नहीं लिखा हो तो उसका मतलब है वहाँ प्लस है, यानी 1 और 1 और प्लस इधर दोनों तरफ, और यहाँ भी बेटा प्लस। तो 1 और 1 2 2 and 2 4 4a³। तो बेटा कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो इनको ऐड कर देते हैं, 3 3 3 और यहाँ 9 लिख देते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी, ऐड या सब्ट्रैक्ट में जो पावर होती है बेटा ये चेंज नहीं होती, सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ देख रहे हैं जैसे 2a², यहाँ तो कोई टर्म नहीं है, यहाँ आप देखें -a², और यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो अंडरस्कोर है कि यहाँ 1 है, 2 - 1 तो 1 आएगा, और साइन बेटा हमेशा बड़े वाला लिखना होता है, तो जैसे 2 के साथ प्लस है यहाँ हमने प्लस लिखा। अब हम चलते हैं इस एक्सप्रेशन के तीसरी टर्म की जानिब, ये -6a है, यहाँ +2a है, यहाँ +2a है। तो बेटा आप जब मुख्तलिफ साइन वाले नंबर्स ये टर्म देखें तो आपने जो सेम साइन वाले नंबर्स हैं ये टर्म उनको ऐड करना पड़ेगा, 2 + 2 = 4 + 4, जो साइन दोनों के साथ है वही इनके सम के साथ भी आएगा, 2 and 2 + 4 + 4 - 6, तो इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि +4 और -6 दोनों के साइन डिफरेंट है, जब साइन डिफरेंट हो तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 - 4 करते हैं तो 2 आंसर आता है, और 6 क्योंकि बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस है, नेगेटिव है, तो वही हमने आंसर देना है। उसके बाद चलते हैं बेटा अगले टर्म की तरफ, यहाँ देखें आप दो जो नंबर हैं उनके साथ सेम साइन है, इनको हम ऐड करेंगे, 7 + 5 = 12 + 12 - 8 = 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के साइन जो है बेटा ये बड़े नंबर हैं, उनका साइन जो है वो प्लस है, तो आंसर में भी प्लस आएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, इसका ये एक पार्ट है और इसमें लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q, यानी q में से p को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा ये जो ऊपर वैल्यू आप देख रहे हैं, a³ - 3a² b + 3ab² - d³, ये आपके पास q है, ठीक हो गया। अब इसमें से p को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये p है हमारे पास a³ + 2a² b + 3ab² + d³। चूंकि इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो बेटा सब्ट्रैक्ट करते हुए हमें इनके साइन को चेंज करना है, यहाँ देखिए प्लस है तो इसके नीचे मैंने माइनस का साइन लगा दिया है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस। जो बेटा दरमियान वाला सर्कल जो साइन है इसको आपने सर्कल कर देना है, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको सर्कल किया और इसको अब हम इग्नोर करेंगे, इसको अब हम यूज नहीं करेंगे, अब हमें सिर्फ इस प्लस को और इस माइनस को यूज करना है। तो बेटा देखें आप, ये +1a³ है और ये -1a³ है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और साइन इनके ऑपोजिट हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से आगे चलते हैं बेटा, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो जब दोनों साइन एक जैसे हों, लाइक साइन हों, तो उनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं, 3 and 2 = 5, और साइन वही जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़े वाला आता है, बड़े नंबर के साथ जो साइन हुआ है -5a², उससे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए बेटा 3ab² है, यहाँ -3ab² है, दोनों सेम साइन है, डिफरेंट साइन है, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, कोएफिशिएंट भी और जो इनके साथ टर्म्स वगैरह पावर वगैरह,
तो ये भी आपस में कैंसिल होकर खत्म होगा। अब लास्ट देखिए बेटा माइनस बी थ्री है, माइनस बी क्यूब है, ये भी माइनस बी क्यूब है, दोनों के साथ एक जैसा साइन है, इनको भी हम आपस में ऐड करेंगे। यहाँ वन है, यहाँ भी वन है, क्योंकि जब कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो अंडरस्टूड है कि वो वन होगा, वन एंड वन टू, एक हो गया साइन दोनों के साथ माइनस है, तो यहाँ आंसर में भी माइनस टू बी क्यूब होगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपका टू था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की जानकारी। हमारे पास इस सवाल में ये लिखा हुआ है कि द सम ऑफ टू पॉलीनोमियल, ये हमारे पास दो पॉलीनोमियल का सम है, ये ऊपर आप देख सकते हैं, और जैसे सवाल में भी आप बुक में देखेंगे आपको ये नजर आ जाएगा। अगर एक पॉलीनोमियल ये हो जो आप देख रहे हैं नीचे, तो दूसरा पॉलीनोमियल क्या होगा? तो बेटा ये इसी तरह है, जैसे दो नंबर हैं उनका सम है जी 10। अब एक नंबर को हमें बता देते हैं कि 4 है, दो नंबर है उनका सम है 10, एक नंबर है 4, तो दूसरा क्या होगा? तो आप जो सम है 10 में से आप 4 को माइनस कर दें तो दूसरा दूसरा नंबर 6 आ जाए। तो यहाँ भी इसी तरह होगा, जो सम ऑफ पॉलीनोमियल है उसको ऊपर रखना, अगर एक पॉलीनोमियल नीचे हम रखते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा पॉलीनोमियल आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के नीचे बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, 2x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, वाई स्क्वायर की कोई ऑपोजिट कोई वैल्यू नहीं है, और 2xy है और प्लस 3 है, उनको हमने अलग इसलिए रखा क्योंकि ऊपर कोई 2xy की वैल्यू नजर नहीं आ रही, और इसका कॉन्स्टेंट को भी अलग रखा क्योंकि और कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। अब आपने इनको भी बेटा सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ आप प्लस के ऊपर सर्कल बनाएं और नीचे इसके साथ माइनस लिखें, इस सर्कल वाले साइन को हमने इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट देखिए माइनस, इसको भी सर्कल करें, इसको भी इग्नोर करेंगे और इसके नीचे बेटा ऑपोजिट साइन लिखते हैं, और नेक्स्ट और लास्ट जो है प्लस है तो इसको भी हम सर्कल करेंगे और इसके नीचे ऑपोजिट साइन नेगेटिव लिखेंगे। तो बेटा ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, 2x एज इट इज नीचे आ गया, माइनस वाई स्क्वायर भी एज इट इज नीचे आ गया क्योंकि इसको ऑपोजिट कोई टर्म मौजूद नहीं है। यहाँ देखें क्योंकि हमने साइन को इग्नोर करना है प्लस 2xy, इसी तरह यहाँ प्लस साइन को इग्नोर करना है माइनस 3। तो बेटा इसको हम अरेंज अगर करें तो ये आंसर भी आपका ठीक है, लेकिन इसको अरेंज कर लें 2x फिर 2xy फिर y स्क्वायर फिर माइनस 3, यानी आपका एक पॉलीनोमियल ये है जो गिवन है, और दूसरा पॉलीनोमियल हमने सम में से पहले पॉलीनोमियल को माइनस किया सब्ट्रैक्ट किया तो दूसरा पॉलीनोमियल भी आ गया। अब हम बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें क्या करना है, ये दो आपको नजर आ रही हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर एक्स है प्लस 3, तो बेटा एक्स लिखेंगे और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 एक्स के साथ, फिर प्लस लिखना है, फिर 3 के साथ इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखना है। अब आपने क्या करना है बेटा, x को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 है यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई करते हुए पावर ऐड हो जाती है, माइनस x को 3 से 3x से करेंगे 3x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी पावर 1 है यहाँ भी 1 है, फिर बेटा प्लस 9 को x से करेंगे 9x, इसी तरह 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, 3 को 3x से करेंगे 9x, 3 को 9 से करेंगे 27। अब बेटा नेक्स्ट जो ये आपका एक्सप्रेशन बना इसमें देख सकते हैं माइनस 3x स्क्वायर है और प्लस 3x, ये आपस में कैंसिल हो, इसी तरह प्लस 9x है माइनस 9x है, ये भी आपस में कैंसिल हो, तो बाकी क्या बचता है x क्यूब प्लस 27। अब हम बेटा ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसका थर्ड पार्ट, a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, बेटा ब्रैकेट्स हैं इसका मतलब है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने ये जो पहला एक एक्सप्रेशन है बड़ा है इसको ऊपर लिख लेना है, और जो ये ए प्लस बी प्लस सी इसको नीचे लिखना है और इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करना है। अगर आप ए को एक स्क्वायर से करेंगे तो बेटा ए क्यूब आएगा, फिर ए बी स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बी, फिर ए बी सी, फिर ए को जब बेटा सी ए से करेंगे तो ए स्क्वायर सी, ठीक है, आप सी ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं लेकिन बेहतर यह है कि आप ए को शुरू में लिखें तरतीब से ए बी सी की तरतीब। अब हम चलते हैं बी को, अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो बी ए स्क्वायर भी ठीक है, बेहतर यह है कि आप यहाँ ए स्क्वायर बी लिखें, तो यहाँ मैंने लिखा ए स्क्वायर बी, फिर बेटा बी को जब बी स्क्वायर से करते हैं तो बी क्यूब आता है, वो जरा आंसर डिफरेंट था मैंने इसलिए उसको अलग लिखा, फिर बेटा बी को सी स्क्वायर से करते हैं
तो बी सी स्क्वेयर आता है, ये बी सी स्क्वेयर है। फिर बेटा बी को जब ए बी से करते हैं तो आता है ए स्क्वेयर बी, ये देख सकते हैं आप ए स्क्वेयर बी है। फिर बी को बी सी से करते हैं तो बी स्क्वेयर सी आता है, ये बी स्क्वेयर सी है। फिर को जब बी को सी ए से करते हैं तो बेटा आंसर आता है ए बी सी। इसी तरीके से हमने सी को भी मल्टीप्लाई करना है, तो जब बेटा सी को हम ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वेयर सी आता है। सी को जब बी स्क्वेयर से करते हैं तो बी स्क्वेयर सी आता है, ये बी स्क्वेयर सी, यानी बी स्क्वेयर सी को बी स्क्वेयर सी के नीचे लिखना है। ठीक है बेटा, तरतीब जरा कायम रखनी है, ए बी स्क्वेयर के नीचे ए बी स्क्वेयर आ जाएगा, ए सी स्क्वेयर के नीचे ए सी स्क्वेयर आ जाएगा। इसी तरीके से ए बी सी, ये देखें ए बी सी और ए बी सी के तीनों एक लाइन में आ गए। इस अरेंजमेंट से बेटा सवाल आपको समझने में, कटिंग करने में और आंसर लिखने में आसानी होगी। फिर हम इसी तरह सी को बेटा ए बी से करेंगे तो ए बी सी आएगा जवाब, प्लस माइनस माइनस। फिर सी को जब बी सी से करेंगे तो देखें बेटा बी और सी दो हैं, बी सी स्क्वेयर आएगा, बी सी स्क्वेयर आएगा और प्लस माइनस माइनस। फिर जब बेटा सी को सी ए से करेंगे तो माइनस सी स्क्वेयर ए आएगा। ठीक हो गया, सी स्क्वेयर ए या ए सी स्क्वेयर, एक ही बात, देख सकते हैं आप ये दोनों ऊपर नीचे हैं और साइन इनके डिफरेंट हैं। इसी तरह यहाँ ए बी स्क्वेयर है, यहाँ माइनस ए बी स्क्वेयर है, ये बेटा आपस में कैंसिल हो गए, ए सी स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, माइनस ए स्क्वेयर बी प्लस ए स्क्वेयर बी से कैंसिल हुआ, माइनस ए स्क्वेयर सी प्लस ए स्क्वेयर सी से, माइनस बी स्क्वेयर सी प्लस बी स्क्वेयर सी से, प्लस बी सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों सेम थे मगर साइन डिफरेंट थे, तो ये आपस में बेटा कैंसिल हुए। अब ये जो आंसर है बाकी ए क्यूब मैंने लिखा, अब यहां से बेटा बी क्यूब मैंने उठा कर भी लिखा, फिर यहां से एंड में आप देख रहे हैं सी क्यूब है, इसको लिखना है, तरतीब से मैंने लिखा। उसके बाद क्या बचता है, ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी, तो ये बेटा तीन मतलब है, तो आप यहां लिखेंगे थ्री ए बी सी और जो साइन इनके साथ है वही हमने लिखने हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका सवाल कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, अगर बेटा कहीं से कोई बात समझ ना आए तो रब्ता कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।